पाकिस्तानी नजात जर्मन शहरी हसन आफ्ताब के कातिल को 7 साल सजा सुना दी गई। सजा क्रिमिनल कोर्ट के 3 जजेस साहिबान पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाई। मुदई के वकील बैरिस्टर खबीब मोहम्मद अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका मजीद क्या कहना था देखिए। आज हसन आफ्ताबुल हसन के कत्ल का फाइनल फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, और जो उनकी फैमिली है, जो उनका लाइकिन है, उनको इंसाफ मिला है, और जिसने उसका कत्ल किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिली। आज सरकारी वकील की ख्वाहिश थी कि 6.5 साल हुए, हमारी कोशिश थी कि उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाए, और कोर्ट ने आज 7 साल सजा सुनाई है। और हम इस लिहाज से जर्मन कानून के मुताबिक ऐसे है कि मैक्सिमम सजा 10 साल है, इनको आज 7 साल मिली है जेल, तो ये मुनासिब है बहुत सजा।